ऐसे व्यक्ति को रुद्राणी रुलाती है, दुर्गा देवी उनका रुद्राणी नाम है, जिसका अर्थ है हर एक को रुलाने वाली। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, उनका भी कई बार परीक्षा लेती है माया के रूप में आकर, रुद्राणी परीक्षा लेती है, क्योंकि नहीं चाहती है रुद्राणी, क्योंकि वो दुर्गा दुर्गा है ना, दुर्ग मतलब इस भौतिक संसार के वो जेलर है, जेल है भौतिक संसार, नहीं चाहती है कोई चीप व्यक्ति, सहजिया व्यक्ति कृष्ण के पास जाए। ही शुड बी क्लास वन डिवोटी, उत्तम भक्त होना चाहिए। तो उत्तम भक्त का भी कई बार परीक्षा लेती है रुद्राणी। जैसे एक बार हरिदास ठाकुर के पास आई और देखा कि हरिदास ठाकुर तस्मस नहीं हुए, जब कई लोगों ने षड्यंत्र करके उनको एक प्रोस्टिट्यूट भेजा, लेकिन प्रोस्टिट्यूट पूरा भक्त बन गई, सब कुछ छोड़ दिया उसने, अपने संपत्ति भी बांट दिया। तो इसलिए जब शिव जी के मुख से रुद्राणी सुनती है दुर्गा देवी की ऐसे भक्त है, गुणगान भक्त का तीनों लोकों में फैल जाता है। हमें अगर यशस्वी बनने का इतना ही शौक है, फेमस बनने का, तो हमें क्या करना चाहिए? कृष्ण भक्ति करना चाहिए, शुद्ध भक्ति। ये सच्चा यश है, ये सही अर्थ में फेमस होना है, क्योंकि आपका जो यश है वो सिर्फ इस लोक में नहीं बल्कि तीनों लोकों में फैल जाता है, वैकुंठ तक। तो इसलिए जब हरिदास ठाकुर के पास रुद्राणी आती है, बहुत सुंदर रूप, माया स्वयं आ रही है, तो भी हरिदास ठाकुर बिल्कुल कृष्ण नाम में ही कंसंट्रेट करके नाम जप कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा कि कितनी भी सुंदर स्त्री उनके गुफा में आए हैं। तो ऐसे एक भक्त होते, एक शुद्ध भक्त, तो माया देवी परीक्षा लेती है और पास हो जाते हैं हरिदास ठाकुर। फिर दुर्गा देवी उन्हीं से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे नाम की दीक्षा प्राप्त करती है, इतना रिस्पेक्ट करती है कोई भक्त है तो। तो इसीलिए रुक्मिणी देवी बोल रही है, शायद रुद्राणी मुझे रुलाना चाह रही हो, मतलब शिव जी और रुद्राणी शायद दोनों चाह रहे हो। लेकिन यह देखते हुए कि मैं कितनी दुखियारी हूँ, अपना प्राण त्यागने वाली हूँ, कृष्ण नहीं आएंगे तो क्या गौरी और शंकर मेरे प्रति दयालु नहीं हो सकते? ऐसे भी मन में भावनाएं आ रही हैं। तो फिर सोच रहे हैं कि इसका कारण हो सकता है, यही हो सकता है कि वे गिरिजा है, गिरि मतलब पर्वत, जा मतलब पुत्री, गिरिजा है, गोद ले हुई पुत्री है, तो फिर वे दयालु क्यों होने लगे? एक्चुअली क्या होता है, जब सती देवी अपने पिता दक्ष की जो एक बार दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ का जो है वो किया, इंतजाम किया, तो सारे देवता लोग देख रहे हैं सती देवी की, सारे देवता लोग अपने पत्नियों के साथ प्रसन्नता पूर्वक अपने वाहन में जा रहे हैं अपने पिता के पास। तो भगवान शिव से पूछते हैं कि चले हम भी, तो भगवान शिव ने कहा है कि आपको निमंत्रण नहीं है तो आप कैसे जा सकती हो? तो बोलते बेटी को जाने के लिए थोड़ी निमंत्रण चाहिए, पिता के घर में कोई प्रोग्राम हो रहा है, आई कैन गो, मैं जा सकती हूँ, आप भी चलिए। तो शिव जी ने कहा कि मैं तो निमंत्रण के बिना नहीं जा सकता, और आप भी ना ही जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि आपके पिता जो है मुझे पसंद नहीं करते और आपने उनके इच्छा के विरुद्ध मुझसे विवाह किया है। तो हर पिता का मन होता है, एक्चुअली क्या है, भौतिक दृष्टि से देखकर आजकल भी शादियां होती है, जैसे बहुत बड़ा मकान होना चाहिए, बहुत बड़ा कमाई करने वाला होना चाहिए इत्यादि। लेकिन हम शिव जी को देखें, वैसे तो सबको मकान और सब वर देने के लिए सक्षम है, लेकिन उन्होंने कभी भी
ऐसे राजा की तरह रहना पसंद नहीं किया, वैरागी की तरह रहे कैलाश में, पर्वत में, वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए, और इसे व्याघ्र का छाल पहना हुआ, भस्म लगाया हुआ, तो पसंद नहीं है दक्ष को ऐसा कि दक्ष का बड़ा नाम है। तो सती देवी फिर भी गई, जबकि शिव जी ने उनको मना किया था। मना किया था मतलब शिव जी ने कहा था कि इनविटेशन नहीं है। तो फिर सती देवी फिर भी गई, और फिर क्या हुआ, दक्ष ने उनका कोई आदर नहीं किया और शिव जी के प्रति भी अनादर दिखाया, जो सती देवी सहन नहीं कर पाई। और उन्होंने सहन नहीं करना स्वाभाविक था, क्योंकि परम वैष्णव है, वो जानती है क्वालिटी। जैसे जो बुद्धिमान पिता है वो क्वालिटी देखकर, दुल्हा का क्वालिटी देखकर बेटी की शादी करवाते हैं, जिसके भाग्य में जितना कोटा है वो तो मिलेगा ही, लेकिन अच्छे कैरेक्टर के व्यक्ति को कन्यादान करना चाहिए जो कृष्ण भक्त हो, जैसे कि परम वैष्णव है भगवान शिव जी। तो सती ने सही डिसीजन लिया, इससे अच्छा पति उनको नहीं मिल सकता। लेकिन जब देखा कि दक्ष ने अनादर किया, तो सती इस बात को सहन नहीं कर पाई। और शास्त्र में भी ये उल्लेख है कि अगर कोई वैष्णव के बारे में निंदा करे, अपमान करे, तो या तो उस स्थान को त्याग दो, नहीं तो उसी का आप खुद ही प्राण त्याग दो। तो इस प्रकार की बातें हैं। तो सती देवी ने खुद अपना शरीर छोड़ दिया, और बाद में वो पार्वती के रूप में हेमवान और मेना, माता का नाम है मेना और पिता का नाम है हेमवान, मतलब हिमालय की पुत्री के रूप में प्रकट हुई। और तब भगवान शिव से फिर से उनका विवाह होता है, और विवाह में भगवान विष्णु उनको गोद लेते हैं बहन के रूप में, और विवाह कराते हैं भगवान विष्णु शिव जी और पार्वती का। तो इसलिए बोल रहे हैं, अच्छा गोद ली हुई पुत्री है तो दयालु क्यों होने लगी, ऐसे रुक्मिणी सोच रही है, क्योंकि वो बहुत ही उद्विग्न है कृष्ण नहीं आए। तो ऐसा हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि सती है, तो सती ने क्या किया था, शरीर छोड़ा था। तो रुक्मिणी देवी सोच रही है कि सती ने अपना शरीर छोड़ा था, तो शायद वो ऐसा सोच रही है क्योंकि सती हो, गिरिजा हो, पार्वती हो, रुद्राणी हो, एक ही है दुर्गा देवी, कृष्ण की बहिरंगा शक्ति। तो बोल रहे हैं कि सती अवतार में उन्होंने शरीर छोड़ा था रुद्राणी ने, तो इसलिए वो शायद चाहती है कि मैं भी शरीर छोड़ दूँ, यही चाहती है, इसलिए तो कृष्ण नहीं आए। तो इस प्रकार अनेक भावना रुक्मिणी देवी के मन में उठ रही है कृष्ण के नहीं आने पर, और बहुत ही ज़्यादा उद्विग्न है, एंग्जाइटी में है, क्योंकि लगभग रात बीत चुकी है, थोड़ा सा और बाकी है समय रात बीतने का, और कृष्ण अभी भी नहीं आए। इस बात को वो सोचने का प्रयत्न कर रहे हैं, आखिर क्यों नहीं आए, और इस तरह सोच के बहुत परेशान है या चिंतित है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण उन सभी भक्तों को शरण देते हैं जो उनके प्रति पूर्णतया डेडिकेटेड है। भले ही कोई दोष हो तो उनका दोष कौन नष्ट कर देते हैं, कृष्ण, क्योंकि वो शुद्ध भक्त के हृदय में निवास करते हैं। जैसे हम कहीं भी निवास करने जाए, मान लीजिए हमने कुछ एक जगह खरीद लिया, घर खरीद लिया, तो हम पहले झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे, जाली निकालेंगे, साफ करेंगे उस घर को अगर गंदा है। तो ऐसे ही भगवान जब भक्त उनको हृदय में बुलाते हैं और दिन रात उनके कृष्ण के बारे में वो श्रवण कीर्तन स्मरण करते हैं, तो कृष्ण उनके हृदय में निवास करते हैं, और निवास करने से पहले वो हृदय को शुद्ध करते हैं, साफ करते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं शुद्ध भक्त हमेशा मेरे हृदय में रहते हैं और मैं उनके हृदय में। जैसे एक पति पत्नी या लवर्स, खासकर लवर्स जो है एक दूसरे के बारे में सोचते रहते, तो भक्त भी ऐसे ही है, और भगवान और भक्त दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं।
तो इसलिए हम देखते हैं कि रुक्मिणी देवी जो है वो भी दिन रात सिर्फ कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं, और फिर भी जब कृष्ण नहीं आए तो रुक्मिणी देवी उद्विग्न हो उठी है। ऐसे एक भक्त भी एंग्जाइटी में आते हैं जब उनको लगता है कि अच्छा अभी भी भगवान श्री कृष्ण का कृपा मुझे प्राप्त नहीं हुआ, तो शायद मैंने कुछ गड़बड़ किया है सेवा में, शायद कुछ अपराध किया है। तो इस प्रकार वो भी भक्त भी ऐसा सोचते हैं, क्योंकि अगर हमने कोई भी अपराध किया है तो हमें आनंद नहीं आएगा भक्ति में। तो इसलिए तो आज की क्लास का सारांश यही है कि रुक्मिणी देवी इंतजार कर रही है, पूरी रात बीत चुकी है, रुक्मिणी देवी उद्विग्न है पूर्णतया, थोड़ा सा रात बीतना बाकी है और उनका विवाह हो जाएगा, और वो सोच नहीं पा रही है कि ब्राह्मण देवता अब तक क्यों नहीं आए, कृष्णा क्यों नहीं आए, और शायद कृष्ण ने कोई दोष देख लिया हो, या शायद कोई देवता मुझसे नाराज है, या क्या कारण है जिसकी वजह से कृष्ण नहीं आए। अब इसी बात पर वो मेडिटेट कर रही है, कृष्ण के बारे में ही सोच रही है, ये भी कृष्ण कॉन्शियसनेस है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।